हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे एट अवागढ़ साइड। तो फ्रेंड्स, अवागढ़ में जो आप जानते हैं जो क्षत्रिय जो राजा थे, राजा बलवंत सिंह, तो उनका आज हम आपको किला दिखाएंगे अवागढ़ में बना हुआ, अवागढ़ वाला किला जिसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अवागढ़ के लिए। फ्रेंड्स, ब्लॉग को एंड तक देखना और कमेंट में बताना कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका भाई अभी पहुंच चुका है अवागढ़ वाले किला पे। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में ये चारों तरफ से घिरा हुआ है किला। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसका गेट देख रहे हैं, किधर है इसका गेट। अभी हम गेट की तरफ जा रहे हैं, इसके देख रहे हैं किधर साइड में इसका गेट है अवागढ़ वाले किले का। फ्रेंड्स, आपका भाई पहुँच चुका है अवागढ़ वाले किले पर और अभी हम इस गेट पर एंटर करते हैं। बताते हैं, यहाँ पर फैमिली वगैरह रहती है राजा साहब की। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अंदर एंटर हो पाएंगे कि नहीं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये है अवागढ़ वाले जो राजा बलवंत सिंह थे उनका ये किला है, आप देख सकते हैं सामने। तो फ्रेंड्स, अभी हम अंदर की साइड में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी हम अंदर चल रहे हैं इसमें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है अवागढ़ वाले राजा, जो राजा बलवंत सिंह है उनका किला। आप देख सकते हो 12वीं शताब्दी में बना हुआ था ये किला। तो अभी हम अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली हमें, हम जा रहे थे अभी अंदर तो उनके कोई वंश से मिले हुए थे, जो उनके कोई पौत्र वगैरह होंगे तो उन्होंने मना किया था अंदर जाने से, क्योंकि उनकी फैमिली वगैरह रहती है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजा बलवंत सिंह का किला जो पीछे बना हुआ है मेरे। और फ्रेंड्स, ये बनी हुई है खाई जो चारों साइड में बनी हुई है, पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई है फ्रेंड्स। अभी हम चलते हैं आगे, तो इसमें अंदर जाने की फ्रेंड्स इजाज़त नहीं मिली हमें। उनके कोई पौत्र वगैरह थे राजा जी के, जो राजा बलवंत सिंह हैं उनके कोई पौत्र वगैरह थे अंदर मिले हुए थे अभी हमें। तो उन्होंने बोला इसमें परिवार वगैरह रहते हैं अंदर, तो आपको जाने की अंदर इजाज़त नहीं है, आप बाहर बाहर घूम सकते हो बाउंड्री में, बाउंड्री साइड में। फ्रेंड्स, अभी हम बाहर से आपको दिखाते हैं किला। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं राजा बलवंत जी का जो किला बना हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। बीच में इसके खाई है जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ। और फ्रेंड्स, ये बना हुआ है चकोरी प्लांट, जो आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से कॉफ़ी कट के जाती है, जो कॉफ़ी के पेड़ वगैरह होते हैं यहाँ से इस प्लांट से कटते हैं कॉफ़ी के जो पेड़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आते हैं इस साइड में और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पीछे की रास्ता बनी हुई है किले के जस्ट पीछे की कच्ची रास्ता, उस पर ये प्लांट बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कांटा है यहाँ पर, धर्म कांटा जो होता है, इस पर जो गाड़ी वगैरह खड़ी होती है यहाँ पर, ये कॉफ़ी तौली जाती है, तौलने के बाद फिर ये जाती है मतलब अलग अलग राज्यों में। तो किले के जस्ट पीछे फ्रेंड्स, कभी आप आओ तो इसे देख के जाना। और ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, दिसंबर के बाद स्टार्ट होता है ये प्लांट। फ्रेंड्स, बाहर से आप देख सकते हैं राजा बलवंत सिंह का किला और ये खाई बीच में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई है, आप आगे की साइड में देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ से लकड़ी लेके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से सामने से बहुत बड़ी खाई है फ्रेंड्स। और नीचे आप देख सकते हैं पत्थर डले हुए हैं बड़े बड़े इसमें। ये पीछे का रोड है इसके, ये बाइक खड़ी हुई है हमारी, ये पीछे के गाँव वगैरह बसे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जस्ट किले के जस्ट पीछे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हम दूसरी साइड में खड़े हुए हैं किले के, और पीछे आप देख सकते हैं किला कैसा बना हुआ है। और ये पीछे आप खाई देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत गहरी खाई है, यहाँ से कम होगी तभी 30 फुट के आसपास खाई होगी इसमें, और बहुत चौड़ी खाई बनी हुई है चारों साइड है ये फ्रेंड्स। और पीछे का रास्ता आप देख सकते हैं, ये किले के चारों साइड ये पीछे कच्चा रास्ता बना हुआ है, बीच में ये किला है अपना राजा बलवंत सिंह का, जो 12वीं शताब्दी में बना हुआ था ये किला। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं खाई में अंदर, आपको दिखाते हैं अभी खाई अंदर से। तो फ्रेंड्स चल, तो फ्रेंड्स अभी हम चल रहे हैं खाई में अंदर। आप देख सकते हैं नीचे की साइड में बहुत ढलान है तो फिसलने का थोड़ा डर है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं खाई में अंदर,
और आप यहाँ से देख सकते हैं किले का नज़ारा ऊपर की साइड में। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जंगल ही जंगल है पूरी खाई में। और आपको हम दिखाते हैं भी थोड़ा सा आगे चल के। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं खाई के अंदर जंगल ही जंगल है पूरा। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी घास है फ्रेंड्स इसमें। देखो आप पूरा एक आदमी के बराबर ऊंची घास है पूरी, 5-5, 6-6 फुट की। काफी डरावना जंगल सा लग रहा है। और कितना डरावना जंगल लग रहा है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और अभी हमारी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है ऊपर की साइड में, आप देख सकते हैं पूरा ऊपर पहाड़ टाइप का लग रहा है जहाँ से हम ऊपर से उतर के आए। और ये किला बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है ये यहाँ पर झाड़ियों की वजह से। तो फ्रेंड्स अभी हम खड़े हुए हैं बीच खाई में, आप देख सकते हैं ये खाई के नज़ारे पूरे पीछे की साइड में, कितनी बड़ी बड़ी घास है फ्रेंड्स इसमें। और ऊपर बना हुआ है किला राजा बलवंत सिंह का। तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी हम खाई से ऊपर और थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ से किले की साइड में थोड़ा, और फिर यहाँ से निकलेंगे हम जंगलों के बीच में। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है अबागढ़ वाला किला, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ईंटों से बना हुआ है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है। अगर अंदर जाते तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता। तो फ्रेंड्स अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है इसमें, आप ये शायद फ्रंट है पता नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जस्ट पीछे की जो साइड है उससे आप देख सकते हैं पीछे एक फुलवारी बनी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है आप देख सकते हैं। जूम करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल किला नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड में बिल्कुल आप देख सकते हैं लास्ट टॉप बाउंड्री दिखाई दे रही है ऊपर की छोटी छोटी। और फ्रेंड्स इतनी बड़ी झाड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रास्ते पे ये बना हुआ गेट अबागढ़ के किले के रास्ते पर, अंदर जाना जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं फ्रेंड्स हम। तो फ्रेंड्स कितनी अच्छी ईंटों से बना हुआ है देख सकते हैं आप, इतने दिन बाद भी इन ईंटों का मतलब कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है आप देख सकते हैं बिल्कुल ही, बहुत अच्छी ईंटों से फ्रेंड्स ये किला बना हुआ है, बिल्कुल पक्की ईंट लग रही है ये। तो फ्रेंड्स अभी हम खड़े हुए हैं इस वाले गेट पे जो बिल्कुल अंदर से गया हुआ है खाइयों में से, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में फ्रेंड्स ये गेट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अबागढ़ वाला किला दिखाया, अंदर जाने की अनुमति नहीं है फ्रेंड्स, और चारों साइड में इसके खाई बनी हुई है वो भी मैंने आपको दिखाई फ्रेंड्स। कभी आप अबागढ़ आओ तो आप किला देखने आना, वैसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।